हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पोको M4 5G में फ्री फायर मैक्स का टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सभी सेटिंग्स को हम फुली मैक्स कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है, लैग वैग होता है या नहीं, हीटिंग इशू है या नहीं, तो सारी जानकारी देंगे। देखते रहिए वीडियो का एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस बात करें यहाँ पे इस फ़ोन के बारे में, तो गाइस इस टाइम पे इससे बेटर आपको 5G फ़ोन कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लाइक आप रेडमी को देख लें या रियलमी को देख लें, वैसे रेडमी और पोको दोनों एक ही है आपको भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन अभी इस प्राइस रेंज में 5G को लेकर कोई भी नहीं है। क्योंकि गाइस यहाँ पे रियलमी का आप देख लीजिए तो वो भी 12,000 का अप्रोक्स से ही शुरू होता है। रेडमी का देख लीजिए 11 प्राइम आया 5G, वो भी 12,000 का अप्रॉक्स से ही शुरू होता है। बट ये फ़ोन गाइस आपको सेल में बहुत ही अमेजिंग प्राइस में मिल रहा था, लाइक यहाँ पे 9,749 में अभी 10,249 में 10,500 के आसपास में मिल जा रहा है। तो अभी इस प्राइस रेंज में इससे बेटर आपको 5G फ़ोन कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब इस यहाँ पे इसके स्पेक्स की बात करें तो इस प्राइस रेंज में मतलब डिसेंट मैं कहूँगा, 5G के होने की वजह से गाइस यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे चीज़ों में कटौती देखने को मिल जाती है। लाइक पोको का ही आपको 4G फ़ोन पोको M4 Pro 4G काफ़ी कमाल का स्पेक्स प्रोवाइड करता है, और वो भी सेल में 10,000 के अंडर मिल रहा था, तो काफ़ी कमाल का वो फ़ोन था। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक 4G डिवाइस था। बट गाइस यहाँ पे अगर आप 5G लेंगे तो काफ़ी सारे चीज़ों में आपको कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए नॉच दिए हैं यहाँ पे, पंच होल तो बिल्कुल ही दिया जा सकता था, नॉच मुझे अच्छा नहीं लगा। पंच होल होना ही चाहिए था गाइस, चाहे 5G हो या 4G हो, बिकॉज गाइस यहाँ पे नॉच काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन हो गया ना, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। और दूसरी बात गाइस यहाँ पे आपको कैमरा में भी कटौती देखने को मिलेगी। लाइक पोको M4 Pro 4G आप देख लीजिए, वो भी 10,000 में मिल रहा था, तो वहाँ पे गाइस आपको काफ़ी अच्छे कैमरा सेटअप्स मिल जाते थे, लेकिन इसमें आप देखेंगे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, और बैक में आपको सिर्फ एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा चिपका दिया। वैसे क्वालिटी ये अच्छा प्रोड्यूस भी नहीं करता, और इस प्राइस में कैमरा से तो आप एक्सपेक्ट अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है कि इसकी 5G होने की वजह से इसमें और भी डिसएडवांटेज देखने को मिल जाती है। लाइक यहाँ पे आपको एमोलेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन 90Hz दे दिए हैं डिस्प्ले में, ये गाइस अच्छा है। LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो 90Hz और LCD अच्छा है, और बैटरी बैकअप भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है 5000 mAh की। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, चार्जिंग में। पोको M4 Pro 4G देख लीजिए आपको चार्जिंग कितनी फास्ट मिलती है, 33 वाट का, लेकिन इसमें गाइस आप देख लीजिए 5G होने की वजह से यहाँ पे आपको चार्जर क्या मिलता है, 18 वाट सपोर्ट। तो ये मतलब 5G के डिसएडवांटेज है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मतलब फ्यूचर के लिए ये हो जा रहा है। पोको M4 Pro 4G आप फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते, जब सिम आपको मिलेंगे तो काफ़ी सारे ऑफर्स मिलेंगे 5G फोन रिचार्ज के लिए, कि इतना रिचार्ज कीजिएगा तो इतने सारे मिलेंगे। अब गाइस अगर आप 4G फ़ोन ले रहे हैं तो उस टाइम पे आप 5G रिचार्ज कराएंगे, 5G के लिए पैसे देना पड़ेगा आपको, और चलाइएगा 4G। जैसे कि अभी आप देखिए 3G के लिए आप 4G का रिचार्ज कराते हैं ना, और 3G चलाते हैं। अगर 3G आपके पास फ़ोन है तो 4G का रिचार्ज कराना पड़ेगा और 3G चलाइएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है गाइस यहाँ पे 4G फोन्स का, अभी अगर आ जाता है नेटवर्क तो। बाकी ओवरऑल गाइस यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो अच्छा है, और डायमेंसिटी का 710 आई थिंक है, तो इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देता है। और ये मतलब मैंने रियलमी का भी फ़ोन में टेस्ट किया था, रियलमी 8 में, उसमें डायमेंसिटी 700 था 5G वाला था, तो उसमें भी गाइस अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो प्रोसेसर में गाइस मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपको अच्छा मतलब G99 जो प्रोसेसर आया था नया वाला उसके अप्रॉक्स परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, एंड कोई भी लैग स्टटर्स जिटर्स बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते हैं, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बेसिकली इसमें अच्छा रहने वाला है। और इसमें एक और मुझे दिक्कत लगी कि डुअल स्पीकर भी दिया जा सकता था, बट यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल स्पीकर है, और सेकेंडरी माइक भी देखने को नहीं मिलता आई थिंक, तो बहुत सारी कमियाँ लेकर आता है 5G होने की वजह से। नहीं तो गाइस और सभी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, डिज़ाइन वगैरह अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। सिर्फ गेमिंग करनी है आपको तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, आप इसे ले सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी हो सकते हैं। और इस प्राइस में अगर आप 5G चूज़ करेंगे तो इससे बेटर तो कोई डील ही नहीं है गाइस मेरे ओपिनियन में, क्योंकि गाइस आप देखिए रियलमी तो भाई आसमानी छुरा, रियलमी 9i 5G आया वो भी गाइस 12,000 के अप्रोक्स ही जा रहा है, और उसमें भी कुछ खास नहीं है गाइस, वहाँ पे भी मतलब डिसेंट ही स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर उसका थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन और सभी चीज़ें काफ़ी डिसेंट ही देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसा रहता है। हीटिंग इशू इसमें भी बिल्कुल नहीं है। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।